हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एवरेज इन्वेस्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, जो वॉर की सिचुएशन बन रही है बिटवीन ईरान एंड इसराइल, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का हमारे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट सिचुएशंस में क्या हमारे इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड है या नहीं। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस ऑफ मार्केट्स में जहाँ पे अलॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स डिफाइन करते हैं मार्केट क्या करेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ द वॉर क्या होगा। तो अगर हमें ईरान और इसराइल में एक वॉर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो इस वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहली चीज़ जो है, ईरान कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लोज टू 4% ऑफ द टोटल ऑयल इन दी वर्ल्ड। तो अगर ईरान और इसराइल में वॉर होता है तो सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल कम हो जाएगी, और जैसे ही सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल हमें घटने को नीचे देखने को मिलेगा, प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल ऊपर जाएंगे। इसके साथ साथ हमें डॉलर भी स्ट्रेंथन होते हुए दिखेगा ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर। और अगर बोथ डॉलर में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है और प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल भी ऊपर की तरफ जाती है, तो इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी अपर साइड पे रहेगा। जो इन्फ्लेशन जो अभी पूरे वर्ल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है कि इन्फ्लेशन को नीचे करने की कोशिश जारी रहेगी, बट अगर ये वॉर आउटब्रेक होता है तो हमें देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन और ऊपर की तरफ ही मूव करना स्टार्ट करेगा। और अगर इन्फ्लेशन हाई रहता है तो जो फेड जो इंटरेस्ट रेट कट करने का प्लान कर रहा था ड्यूरिंग दिस ईयर, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक 3 to 4 कट्स हमें ड्यूरिंग दिस ईयर देखने को मिले, बट अगर इन्फ्लेशन हाई ऊपर की तरफ ही रहता है तो हमें ये कट्स डिक्रीज होते हुए दिखेंगे, या फिर शायद इस पर्टिकुलर ईयर में हमें कट्स देखने को भी ना मिले। और अगर इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं होते हैं तो जो बॉन्ड्स और डिफेंसिव एसेट्स हैं उनमें पैसा ज़्यादा देखने को मिलेगा और पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ेंगी और बॉन्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे इन्वेस्टर्स को, तो स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर जाके बॉन्ड्स और डिफेंसिव एसेट्स में सेट होना स्टार्ट होगा। इसके वजह से जो होगा कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एक करेक्शन फेज में एंटर करने के चांसेस बढ़ रहे। चलो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले आ चुके हैं क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है इसके राइट साइड पर जो स्केल है ये है क्रूड ऑयल का रेट पर बैरल इन इंडियन रुपीज। तो अभी करंटली क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है ऑफ अराउंड 7,190 रुपीज पर बैरल पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रूड ऑयल ने एक फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया और हमें मार्च 2024 में क्रूड ऑयल में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद से क्रूड ऑयल में हमें एक कॉन्स्टेंट तेजी देखने को मिल रही है। अभी करंटली 7190 के लेवल्स पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 7 to 7,520 के लेवल्स पे हमें एक रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है। तो अपेरेंटली अगर टेंशंस कंटिन्यू होते हैं और वॉर का सिचुएशन आता है तो हमें क्रूड ऑयल में वापस से एक रैली देखने को मिल सकती है। शायद से फिर 7520 से रेजिस्टेंस ले ले, या इस रेजिस्टेंस का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अपेरेंटली क्रूड ऑयल स्ट्रांग लग रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग चेकआउट करेंगे वो है यूएसडी आईएनआर का चार्ट, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या जो एफआईएस है उनकी सेलिंग अपने हमारे मार्केट्स में कंटिन्यू होगी कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 अगस्त 2023 से डॉलर एक कॉन्स्टेंट रेंज में घूम रहा था, एंड जैसे उसने हाई लगाया था अराउंड 83.4 डॉलर्स का, जहाँ पे ये है कि $1 इज इक्वल टू कितने रुपीज़। तो $1 हमारा 83.40 रुपीज़ का हाई लगाया था फ्रॉम अराउंड अगस्त से, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था डॉलर। फिर हमने डॉलर में एक ब्रेकआउट देखा मार्च 2024 में, जैसे ही हमने क्रूड में ब्रेकआउट देखा वैसे ही सिमिलरली डॉलर्स में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, फिर थोड़ा सा रुकने लग गया, पर जैसे ही अभी वापस वॉर की न्यूज़ आने लग गई है, वापस से थोड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, हमें यूएस डॉलर्स में एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे यूएस डॉलर और हायर लेवल्स पे अगर जाता है, जैसे अकॉर्डिंग टू चार्ट अभी एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, अगर यूएस डॉलर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो एफआईएस का पैसा है अपने मार्केट से वो बाहर अपने मार्केट से निकल के वापस से अपने यूएस मार्केट्स में शिफ्ट कर लेंगे वो लोग, बिकॉज उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर डॉलर स्ट्रांग होता जाता है। अब डॉलर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्ट डिस्कस करेंगे वो है गोल्ड का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट पे। ये भी गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट है MCX पे जो ट्रेड करता है। करंटली अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है क्लोज टू 72,000 रुपीज़ पे, 74,000 का गोल्ड ने हाई लगाया। तो गोल्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च में जैसे हमने देखा क्रूड में, जैसे हमने देखा यूएसडी आईएनआर में, हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, तब से गोल्ड में हमें एक कॉन्स्टेंट ऊपर की रैली देखने को मिल रही है।
अब अपेरेंटली गोल्ड एक रेजिस्टेंस ले रहा है ऑफ 74,000 रुपीज़ के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है, बट फिर भी हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। जनरली गोल्ड में लोग पैसा तभी इन्वेस्ट करता है जब कोई इमरजेंसी हो या कोई डेंजरस सिचुएशन आगे आने वाली होती है, क्योंकि एक डिफेंसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसे जिस तरह की रैली हमें गोल्ड में देखने को मिल रही है, ये इससे हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी रैली गोल्ड में आ रही है और हमने देखा कि इसके साथ साथ इक्विटी मार्केट्स भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एक डेंजरस साइन है अगर गोल्ड इतना स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अभी हम लोग चेक करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जो होता है अपना यूएस का मार्केट, वो कैसे बिहेव कर रहा है जब ये सब चीज़ें इतनी ऊपर की तरफ ऑलरेडी मूव कर चुकी है। तो हम लोग अभी चेक करेंगे डाउ जोन्स को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 37,000 डॉलर्स का जो ब्रेकआउट था, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद से हमें एक ऊपर की रैली देखने को मिली। बट ये ऊपर की रैली आने के बाद से जैसे जियो पोलिटिकल टेंशन्स हाई हो रहे हैं, जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड बढ़ रहा है, हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल का ऑलरेडी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो डाउ जोन्स ऑलरेडी वीक हो चुका है, बट हमें इसमें भी ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखती है, क्योंकि एक अच्छा सा सपोर्ट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था ऑफ 37,000, ये वापस से एक अच्छे से सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ से भी हम लोग को एक मैक्स टू मैक्स एक 2-3% का फॉल इस पर्टिकुलर करंट लेवल से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना फॉल शायद डाउ जोन्स में हमें देखने को मिल सकता है, और वापस से 37,000 के लेवल से हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है यूएस का, वो है नैसडैक, जो उनके टेक्निकल कंपनीज के इंडेक्स, टेक्निकल कंपनीज का, आईटी कंपनीज का इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है जितनी हमें डाउ जोन्स में देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक कॉन्स्टेंटली एक फ्लैट बेस पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। अगर ये भी अपना जो फ्लैट बेस का सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल को अगर नैसडैक भी ब्रेकडाउन कर देता है, तो हमें और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेगी। और ये शायद ब्रेकडाउन तब हो जब जो पॉलिटिकल टेंशन में और एस्केलेशन हमें देखने को मिले। तब तक के लिए आई थिंक अभी भी ये बहुत ही अच्छी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर इसमें भी डिप्स आते हैं तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन ही रहेगा। अभी बहुत हो गई बाहर की बात है, अभी हम लोग चेक करते हैं कि इन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा। वो देखने के पहले हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि क्या हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं। उसके लिए हम लोग आ चुके हैं स्क्रीनर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 जो हमारा मेन इंडेक्स है, उसका हम लोग पी चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंटली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो हमारे निफ्टी 50 कंपनीज का अगर आप कंबाइन करोगे, तो वो ट्रेड कर रहा है क्लोज टू 23.1। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि हिस्टोरिकल ओवर लास्ट 10 ईयर्स का निफ्टी का पी क्या है। तो आप देख सकते हो कि मीडियन इंडेक्स पी, जो निफ्टी का मीडियन पी है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, वो आता है एट अराउंड क्लोज टू 23.5। तो आप देख सकते हो कि 23.1 पे हम लोग करंटली है। तो अभी हम लोग ना ओवर वैल्यूड है ज़्यादा या ना अंडर वैल्यूड है, हम लोग अभी करंटली इस सिचुएशन में मार्केट में एक फेयर वैल्यूएशन पे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है मार्केट में, जो रैली मार्केट में आ रही है वो रैली भी अर्निंग्स बैक्ड है, इसके वजह से हमें पी का ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल रहा, और हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट हमारा ओवर वैल्यूड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 2021 में, या जो हमने 2020 के पोस्ट कोविड रैली देखी थी, उसमें हमें एक यूफोरिया देखने को मिला था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पी क्लोज टू 39 टाइम्स भी पी मल्टीपल्स पे हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। बट अभी हम लोग करंटली ट्रेड कर रहे हैं क्लोज टू 23.1, इसका मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा फेयरली वैल्यूड है। अभी हम लोग सिमिलरली ये चीज़ चेक करेंगे निफ्टी बैंक में भी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो बैंक्स में पी एक अच्छा रेशियो नहीं होता कंपैरिजन के लिए, प्राइस टू बुक एक ज़्यादा बेटर रेशियो होता है कंपैरिजन के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइस टू बुक रेशियो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज क्या। तो प्राइस टू बुक रेशियो 2.8 है एवरेज ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, और करंटली हम लोग भी अराउंड उसी सिमिलर लेवल पर ट्रेड कर। तो बैंक्स भी अभी भी फेयरली वैल्यूड है। अभी हम लोग जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है वो है स्मॉल कैप्स, कि क्या स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं, क्या स्मॉल कैप्स में एक यूफोरिया है, तो हम लोग वो चेक करते। तो हम लोग चेक करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंटली पी 28.4 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप हिस्टोरिकल पी ओवर द लास्ट 10 ईयर्स देखोगे तो मीडियन पी स्मॉल कैप्स का आता है 28.9। तो अभी भी हम लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा फेयरली वैल्यूड है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। हाँ, ज़रूरी ये है देखना कि जो निफ्टी स्मॉल कैप है उसमें कुछ कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा रैली दे चुकी है बट उनकी अर्निंग्स नहीं आ रही है, तो वैसे कंपनी से आपको दूर रहना है। और वही कंपनीज जिसमें अर्निंग्स बैक ग्रोथ दिख रही है, अर्निंग्स बैक हमें राइज देखने को मिल रहा है, उनमें आपको इन्वेस्टेड रहना है। चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर कैसे हो सकता है,
और कहाँ तक के लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 जो है वो करंटली एक पैरेलल चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। इसका जो लोअर चैनल है जहाँ पे निफ्टी कॉन्स्टेंटली सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, और ये अपर बैंड ऑफ द चैनल है जहाँ पे निफ्टी कॉन्स्टेंटली एक रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, यहाँ पे अभी करंटली चौथी बार रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी ने इस लेवल्स के अराउंड, जो 22,500 के लेवल्स के अराउंड, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म करके इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। बट इसका ब्रेकआउट देखने के बाद हमने देखा कि जो अपर बैंड है चैनल का, वहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस में करेक्शन हमें देखने को मिला। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे वॉर अगर एस्केलेट होता है तो हमें कितना करेक्शन या फॉल देखने को मिल सकता भी है या नहीं निफ्टी में। तो करंटली निफ्टी आ चुका है अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्राइस सपोर्ट ले रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंटली अब प्राइस 22,500 के लेवल्स पे सपोर्ट ले रही है। तो अभी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सपोर्ट सस्टेन करता है और हमें यहाँ से ऊपर की रैली देखने को मिलती है, या फिर सिचुएशन थोड़ी और एस्केलेट होती है और हमें यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर लेवल्स का, सपोर्ट लेवल्स का, 22,500 का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो जो पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है वो आएगा 22,300। बट ये सपोर्ट शायद इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ना हो, तो ये ब्रेकडाउन के बाद हम लोग इसको सीधा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वापस से अपने लोअर बैंड ऑफ चैनल पे आके सपोर्ट लेगा, जो एक मैक्स टू 2-3% का करेक्शन इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के बाद से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट द मेन इशू जो आएगा वो आएगा अगर हमें इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर इस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हम एज लो एज 21,150 तक भी जा सकते हैं, और इसके बाद अगर फर्दर करेक्शन कंटिन्यू हुआ और कुछ और बैड न्यूज आती रही तो हम लोग फर्दर 20,200 तक भी आने के चांसेस रखते हैं। तो ये हो गया निफ्टी को लेकर। अभी हम लोग चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, क्या इसमें भी सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि अराउंड इस लेवल पे जो इस रेजिस्टेंस लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, बट वापस से ये ब्रेकआउट के बाद ये वापस से ड्यू टू न्यूज़ कर नीचे की तरफ आ रहा है और फॉल्स ब्रेकआउट प्रूव हो रहा है। इसके लिए भी जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट आएगा वो आएगा 48,100 के अराउंड। अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ से मैक्स टू मैक्स एक 3-4% का करेक्शन हमें दिखता है अगर चीज़ें खराब होती गई इससे ज़्यादा। तो अभी हम लोग चेक करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स को, इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से हमें एक डीप करेक्शन देखने को मिला क्लोज टू 15,500 का, वहीं से प्राइस वापस से एक डबल टॉप बना के एक रेजिस्टेंस ले रही है। तो इसमें भी अगर डिप देखने को मिला तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट आएगा वो आएगा क्लोज टू 14,000 के लेवल्स के अराउंड, जहाँ से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, प्रीवियस लेवल्स पे भी यहाँ पे सपोर्ट हमने देखने को मिला था। तो इस बेसिस पे स्मॉल कैप्स में हम लोग अगर फॉल आता है तो एक 7-8% फॉल हम लोग स्मॉल कैप्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो थ्रू आउट दिस वीडियो हम लोगों ने ये देखा कि अगर वॉर में एक आउटब्रेक होता है, ईरान और इसराइल में हमें वॉर देखने को मिलती है, तो हमें एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। टेक्निकली हमने ये फाइंड आउट किया कि करेक्शन ज़्यादा डीप होने के चांसेस कम है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग एक 3-4% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एक 7-8% का करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, अगर आप कैश में बैठे हो ऑलरेडी और आपको इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करना है तो हम लोग एडवाइस करेंगे इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हुए जा सकते हो मार्केट में, और अगर फर्दर करेक्शन मिलता है तो फर्दर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये जो भी है इशू ये एक एक्सटर्नल इशू है, अपने मार्केट्स ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी है नहीं। सेकेंड थिंग, अगर हमें करेक्शन देखने को मिलती है तो ये करेक्शन आपके आपके पोर्टफोलियोज में एक रीबैलेंस करने का एक इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा, जहाँ पे आपके जो स्टॉक्स है जो अर्निंग्स बैक्ड है उनमें आप क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो, और जो स्टॉक्स मूव जस्ट आपने सिर्फ टिप्स जहाँ से आपसे सिर्फ सुन के लिए और उनमें अर्निंग्स नहीं आ रही है, बस स्टॉक बढ़ रहा था इसलिए लिए, वैसे स्टॉक्स में से आप एग्जिट कर सकते हो और वो स्टॉक्स को बैक कर सकते हो जो अर्निंग्स बेस्ड ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छा रीबैलेंसिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको अगर हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला। दिस इज द एवरेज इन्वेस्टर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।